गुरु भाव कर्म बंधनों को तोड़ते हैं, कैसे समझाने की कृपा करें। गुरु कर्म बंधनों को तोड़ते हैं कैसे? डॉक्टर पेट चीर के बीमारी ठीक करता है कैसे? तो साले डॉक्टर वासे ने पूछ, हमसे कहले पूछ रहा, गजब हाल है। सवाल आया है कि गुरु कर्म बंधनों को, कर्म फल को तोड़ते हैं कैसे? आए बात, मिस्त्री माइक्रोफोन बना रहा है कैसे? अरे साला मिस्त्री के पास जो ना पूछ पूछ, हम मिस्त्री हैं तो गुरु के पास जाइए पूछिए। नेक्स्ट, गुरु आदेशित कर्म करने भर से गुरु की दया मिलती है, गुरु आदेशी कर्म कैसे करें? आदेशित कर्म करने से, एक भाई ने पूछा है कि गुरु ने जो आदेश दिया उसको करने से उनकी दया मिलती। छोड़ दीजिए उसको, हम लोग बाप भी हैं, कुछ माँ भी हैं, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। आप अपने बेटा को कहते हैं कि जाओ एगो आम पीस के तो आम तोड़ के पेड़ से लाओ, आ जबकि आम का पेड़ उसके हाथ में है, टूट जाएगा हाथे से, अब नहीं जाता है। पांच दिन उसको कहिएगा अरे जो न रहे चटनी खाएला है, अम्मा एगो तोड़ के लाना, अब नहीं जा रहा है। दूसरे एगो बेटा को कहते हैं कि जाओ ना यार आम तोड़ के लाओ ना चटनी खानी, वो तोड़ के बेचारा ला देता है। तो किसको ज्यादा मानिएगा, जो चटनी आम तोड़ के ले आता है उसको कि जो आम तोड़ के नहीं लाता है उसको? बेटा दोनों है, कोई काम पड़ेगा तो उसी को ना कहिएगा। तो गुरु का जो आदेश करेगा, गुरु की दया उसी पर ना होगी। गुरु कह रहा है कि टांग ऊपर मुड़ी नीचे, आप कह रहे हैं कि नहीं टांग नीचे मुड़ी ऊपर, ये कैसे चलेगा? गुरु कह रहे हैं कि दूसरों को समझाओ, दिन भर गप मारिएगा। हम मसान में रहते थे, मसान के लोग कम बोलते हैं, वहां किससे बात करिएगा? अब मेरी शादी हुई 1972 में, जिस दिन शादी हुई उस दिन रात भर मेहरारू के साथ गुटरगुई 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 किए, दिन भर रात भर बकर बकर करते हैं। आ कहा गया कि जरा महादेव के बारे में गप करिए तो हो ही नहीं रहा, बदमाशी से बदमाशी ना चलेगा ना, कैसे चलेगा? गुरु आदेशित कर्म करिए, किसी के भी आदेश पर काम करिएगा। एक सुन लीजिए, एगो किरानी को हम बदल दिया पटना से सहरसा, एक किरानी का तबादला कर दिया पटना से सहरसा, आया आते आते गोड़ धर लिया मेरा ऑफिस में कि सर मेरा परिवार पटना में रहता है, उसको हमको सर छोड़ दीजिए, सर हम पटना में रहना चाहते हैं। हम दो ठो रुपया पॉकेट से निकाला आ उसको दिया कि जाओ सामने पान की दुकान है सचिवालय के बाहर, पान ले आवे वो। अब वो कहे कि जिना जब तक मेरी बदली रोकिएगा नहीं हम कुछ छोड़ पे नहीं करेंगे आपका गोड़। हम कहे रे दुगो रुपया ले या पान लिया, नहीं लाया वो मेरा गोड़ नहीं छोड़ा। आ 6 साल तक उसको सहरसे में रहना पड़ा, पटना वापस नहीं हुआ। साला मेरा आदेश है पान लाने के लिए तो साला मेरा गोड़ धरे हुए, ठीक है? तो गुरु का आदेश नहीं मानिया कहिएगा नया महादेव को। एक आदमी हमको बोला कि ना आप आरती करते हैं ना कुछ करते हैं। हम कहे बाबू सुनो, बाप जब घर में आता है तो बेटवा आरती करता है कि बाबूजी जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे, नहीं ना बाबूजी को करता है, माई को करता है ना, कहाँ करता? अगर भक्ति दिखाता है, ओम पिताजी नमः, ओम पिताजी नमः दिखलाता है तो महादेव को आरती करेंगे तब खुश होगा वो। आए बा, महादेव को अगरबत्ती दिखाएंगे तब प्रसन्न होगा वो। वो प्रसन्न तब होगा जब उसको आप अपना समझिएगा, अपना अपनापन का जब अपनेपन का जब भाव आवेगा ना तब वो प्रसन्न होगा। ये आरती अगरबत्ती से क्या प्रसन्न होने जाए,
ठीक है ना से हाँ ठीक है, चलो एक अच्छा काम है करते हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है। गुरु का जो आदेश है वो तो करना ही चाहिए। वैसे अगर आप संस्कृत समझते हैं तो जान लीजिए, शिष्य शब्द बना है संस्कृत में शस धातु से। शिष्य शब्द जो बना है वो शस धातु से बना है संस्कृत में, उसी से बना है शासन, उसी से बना है प्रशासन, उसी से बना है अनुशासन, और उसी से बना है शिष्य। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो। शिष्य शब्द का ही अर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो, यानी गुरु जो कहते हैं वो करने लायक हो वही चेला है। तो गुरु का आदेश तो हमको आपको करना ही पड़ेगा, और तभी उनकी दया मिलेगी। नेक्स्ट। जब हम शिव को पूजा करते हैं तो गुरु बनाना जरूरी है, कृपया हमें समझाएं। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो गुरु बनाना जरूरी है, हमें कृपया समझाएं। हाँ, वही हाल है। महादेव तो बाबा है भाई, शिव तो कहा जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, बाबा तो है वो। और बाबा की संपत्ति में पोते पर पोते लकड़ पोते जो जो कहिए सबका अधिकार होता है, होता है कि नहीं होता है? भारत के कानून, विश्व के कानून में तो है। बाबा की संपत्ति में सबका अधिकार है, ये तो हमको आपको मालूम है। तो हवा माँ शिव की, पानी उसका, धरती उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, हम उसके, तो संपत्ति का भोग ले रहे हैं, संपत्ति भोग रहे हैं। लेकिन बाबा की संपत्ति में पोती का अधिकार है, लेकिन बाबा के ज्ञान में पोती का अधिकार है? जरा बता दीजिए। पोती बैठी हुई है ना मेरी, बाबा की संपत्ति में भारत का कानून इसको अधिकार देता है। मैं स्टेट ही रहा हूं, गर्भ में अगर बच्चा है, मां के गर्भ में अगर बच्चा है तो उसको भी संपत्ति का अधिकार है, कानून है ये। इनको तो हमारी संपत्ति में अधिकार है, लेकिन जब तक ये ज्ञान लेना नहीं चाहे, क्या इनको ज्ञान हमसे मिलेगा? बाबा से गधा के गधा रह जाएंगे। तो शिव से जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे, जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो रख रहा है, जो तोड़ रहा है, जब तक ज्ञान नहीं लेंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। संपत्ति तो भोगे रहे, हवा उन्हीं की है, हम भी उन्हीं के हैं, पानी भी उन्हीं का है, सूरज भी उन्हीं का है, बादल भी उन्हीं के हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है, उसी परमात्मा की सृष्टि है। तो हम लोग भोग तो रहे हैं संपत्ति, लेकिन ज्ञान को भोगने के लिए, ज्ञान में हिस्सा लेने के लिए हमको आपको शिष्य की मानसिकता में जाना होगा, और उसी सत्ता को, उसी शिव को, उसी शिव को अपना गुरु बनाना होगा, ताकि ज्ञान में भी आपको हिस्सा मिले, संपत्ति में तो हिस्सा मिला हुआ है। नेक्स्ट। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, इसमें तो सभी को गुरु बना बोला गया है, तो महादेव ही हमारे गुरु कैसे हुए? क्या? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर देव, गुरुर, हाँ ठीक है, हम समझ गए, आगे पढ़ो ना। इसमें तो सभी को गुरु बोला गया है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब ने पूछा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा में सब देवता को गुरु बनाया गया है, तो शिव को गुरु मानने की जरूरत? सब देवता तो गुरु है ही ले। भोजपुरी में वो कहावत बा, भक्चुनर है वो का हो। हाँ, जैसे मैं आया इस हॉल में आया तो इतनी बत्तियां जल रही थी कि हम चुनरा गए, हमने कहा बंद करो, मैंने तेज रोशनी में नहीं सूझना, भक्चोनर
अरे भैया वो संस्कृत है, उसका अर्थ ठीक से लगाओ ना, उल्टे कर दिया। गुरुर ब्रह्मा यानी गुरु ब्रह्मा है, साला संस्कृत में इसको जीरो आया होगा परीक्षा में। गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा माने सृष्टि की को उत्पन्न करने वाली शक्ति जिसको ब्रह्माणी शक्ति कहते हैं, उसके धारक देवता को ब्रह्मा कहते हैं। यानी गुरु के पास वो पावर है, वो शक्ति है जिससे वो सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर जो करते हैं वो गुरु के पास भी है। गुरुर विष्णु यानी गुरु विष्णु हैं, वैष्णवी शक्ति जिससे पालन पोषण संसार का होता है उसके देवता विष्णु कहे जाते हैं। गुरु के पास यह भी पावर है जो विष्णु के पास है। गुरु देवो महेश्वरा, वो जो ईश्वर हैं, जो महेश हैं, चीफ कंट्रोलर हैं, महेश का मानी होता है नियंत्रक, वो भी गुरु को पावर है। यानी नहीं रहेगा तो आज जीव को कैसे उसे बनाएंगे, इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परमात्मा है। भाई भाई तो पूरा ट्रांसलेशन है कि उल्ट दहलोस, सीधा उसका अर्थ यही होता है, उल्टा अर्थ मत लगाइए। संस्कृत है और ये तमिलनाडु में तो संस्कृत मूल भाषा है, किससे पूछ लीजिए। शिव शिष्य बगिया का फूल तो नहीं बन सका, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप अपने चरणों के धूल तो कम से कम बना लीजिए। अच्छा, एक भाई ने कहा है कि शिव शिष्यता की बगिया का फूल तो मैं नहीं बन सका, आप अपने चरणों की धूल हमको बना लीजिए। हम तो अपने सारा धूरी हैं, हम हमारे पांव की धूल लेके क्या करेंगे, हमारे तो गुरु शिव हैं, उनकी धूल ही लीजिए तो कुछ काम भी बन जाए, कुछ जगत भी ठीक हो जाए और कुछ पारलौकिक जगत भी ठीक हो जाए। मेरी धूल लेके क्या करेंगे, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, आप भी शिव के शिष्य हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। नेक्स्ट। मेरा बेटा शिव से को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं तो क्या करें? एकदम ठीक है। एक भाई ने पूछा कि मेरा बेटा महादेव को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है, इससे बढ़िया बातें नहीं हो सकती है, छोड़ दीजिए। जो कहे ना, समझ दीजिए एक दिन वहां कहेगा, जो कहे हाँ चलो वो तो ठीक है, बाद में ना कह सकता है, और जो कुछ नहीं बोले ना हाँ ना ना ना, उस साला बड़ी खतरनाक होता है। जो ना कह दिया वो एक दिन हाँ कहबे करेगा, जाएगा कहाँ वो, तो बेटवा नहीं मान रहा है तो मानेगा एक दिन जरूर। अगर बेटवा कुछ कुछ नहीं बोलता है चुप, तो समझ लीजिए साला डेंजरस, कुछ नहीं करेगा ये। चलिए। शिव गुरु हैं ये समझते हुए भी मन अपना समझता नहीं है, लेकिन मैं अपना समझने के लिए करने की किसी को जरूरत नहीं है, मन समझने के लिए क्या करें? वही तीन सूत्र, आपका मन समझे कि शिव मेरे गुरु हैं, तीन सूत्र ही करने होंगे आपको, और मूलतः महादेव से दया मांगनी होगी। आप लोग तो नमः शिवाय करते नहीं होंगे, कोई करता है नमः शिवाय? को आदमी नमः शिवाय करता है, हाथ उठा तो। अरे साला सब झूठ बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, जरा शांत हो जाइए भाई साहब। सांस जब भीतर आती है, हर एक आदमी की सांस आती है, सांस जब भीतर आती है तो नमः आया, अपनी गति में, आपको तेज कम नहीं करना है, जैसे सांस चल रही है उसी गति में, सांस जब भीतर आई तो नमः आया,
सांस जब बाहर गई तो शिवाय गया, इसको रोज कौन कौन दुइये बार करता है, एक बार करता है, कौन करता है? सब करवे करता है। अच्छा गिरा, ये धन्यवाद भाई करते हैं तो। सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय करते हुए महादेव को याद करिए आप, दो मिनट से ज्यादा नहीं टिकिएगा, बाजार में मन चला जाएगा, इधर उधर मन चला जाएगा। नमः शिवाय को आपको टुकड़े टुकड़े में करना है सांस पर, एक बार किया, पांच बार, 11 बार से ज्यादा मत करिए। फिर 2 घंटा के बाद 2 बार कर लिया, फिर 3 घंटा के बाद 1 बार कर लिया, ऐसे ऐसे करके उसको टुकड़े टुकड़े में सांस पर, ऐसे ऐसे सांस मत खींचिएगा प्राणायाम की तरह, जैसे सांस चलती है उसी तरह से नमः आया शिवाय गया, उल्टा भी मत करिएगा। नमः ही भीतर जाएगा, शिवाय ही बाहर जाएगा, उल्टा मत करिएगा, इसको करिए, करना चाहिए आपको। सोने के पहले जरूर करिए, जागने पर कोशिश करिए कि हो जाए, होता तो नहीं है, साली चाय याद आती है, चाय शिव तो याद आते नहीं है, लेकिन जब भी जहां भी मौका मिले इसको करिए। चलो, मैं अपने गुरु महादेव के साथ साथ साहब श्री से विनती करता हूँ कि एक बार सेलम तमिलनाडु की धरती पर अपना पैर रखते, ताकि मेरे गुरु महादेव का 3 सूत्र तेजी से हो जाए, इसके लिए मैं साहब श्री से दया मांगता हूँ। सेलम आने के लिए मुझको निमंत्रण दिया जा रहा है, हमको समझ में नहीं आता है कि साला हम 70 साल के हो गए, इस ससुरा सब हम ही को बोलाता है, अपने नहीं आता है, गजब हाल है। वैसे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन क्या मौका मिलेगा यार, पुरान गाड़ी, हॉर्न बजता नहीं है, गाड़ी को चलाना पड़ता है, गाड़ी चलती है तबे कहती है हटन तो छिप देव, हटन तो छिप देव, हटन तो छिप देव, कहाँ करें यार, वैसे आएंगे। नेक्स्ट, मेरे तरफ से साहब श्री को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, आप बहुत लंबे समय तक हमारे बीच चमकते रहे ज्ञान की रोशनी की तरह, शिव गुरु से यही मेरी कामना है। ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। किसी भाई ने मुझको जन्मदिन की बधाई दी, आप एक बात जान लीजिए कि जब मैं पैदा हुआ था वो बहुत घनी अंधेरी रात थी, सुबह पैदा हुआ और रात में दिवाली मनाई गई थी, दिवाली के दिन मेरी पैदाइश, रोशनी तो जल गई शाम में मेरे पैदा होने के बाद, लेकिन मैं अंधेरे में पैदा हुआ था, दिन का समय था, 8 बज रहा था सुबह का, लेकिन रात बड़ी काली थी, मेरी जिंदगी भी काली है, खुशियां नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन सोचता हूं कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएं तो मेरी जिंदगी भी खुशहाल हो जाए। मैं अपने जन्मदिन से कभी प्रसन्न नहीं हूं, न होऊंगा। दूसरों की जिंदगी में अगर खुशियां ला सकें आप, दूसरों की जिंदगी में प्रकाश रोशनी दे सकें आप, इससे बड़ा आपका आना कुछ भी नहीं है। अगर जीवन को सार्थक करना चाहते हैं हम आप, तो दूसरों को रोशन करें, दूसरों के रास्ते को प्रकाशित करें, दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश करें, और शिव से जोड़ेंगे, इससे बड़ी खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है, वो लौकिक जगत का हो या पारलौकिक जगत का हो। चलिए मैं अब चलता हूं, आप लोगों को प्रणाम मैं निवेदित करता हूं, लेकिन अब आऊंगा मैं चेन्नई तभी जब आप बुलाएंगे, और बुलाने का कारण होगा कि आपने महादेव का काम बढ़ा लिया, लोगों को शिव गुरु से जोड़ लिया, और जोड़िए हम आपके साथ हैं, वो महादेव भी आपके साथ है, आप लोगों को प्रणाम।